कि जोधपुर आवास जैसा अशोक जी 101% सही है। समाज के चक्कर में पार्टी छोड़ दो। नहीं पार्टी नहीं, पार्टी तो है ही जाए, लेकिन आज जो जमाना चल रहा है मामले नहीं दिख रहा वोटों का क्या हो रहा है, किसके तरफ चल रहे हैं किसके नहीं है, पेंशन वगैरह चिरंजीव विरंजी हर चीज में दान वान देनो, घर में दाल तेल वेल सब देनो, हर चीज फायदों करो समाज। नमस्कार जोधपुर, चलको जोधपुर से मैं हूँ आदित्य आप आगे और इन वक्त मैं खड़ो हूँ जोधपुर रे घंटाघर एरिया रे मीना और मैं वो जाना अनुसार आया हूँ कि अठेरा जी का व्यापारी लोग है, अठेरा जी का जिका मैंने लोग मिले उड़ासू वो जान रहे हूँ कि इन बार कौन सी पार्टी राजस्थान में राज करेला और वहाँ विधानसभा क्षेत्र कौन सो लागे जटे सू कौन सो विधायक बाजी मार आप रे विधानसभा में जावेला, तो देखन तो वीडियो अंत तक जरूर देख जो, मैंने भी कमेंट कर जरूर बताई जो कि आप रे विधानसभा में ना कौन सो विधायक बाजी मार विधानसभा में जावेला। और एक बात याद जरूर रख जो 25 नवंबर दिन घर सु बारे निकल वोट जरूर दीजो, एक रुपयो भी एक समाज में आन सिर्फ खड़ो होना बाकी वादा करना काम की नहीं करना, आधा स्थिति एक पूरा समाज इकट्ठा होने 90% मतलब 99% लोग मैंने जितान MLA बनाया, आज मैंने कोई सूझबूझ तो लेनी थी, मैंने पूछना तो कि भाई आज अपने समाज में कई जरूरत है, वह सीधा ऑइस कह रहा कि आप माने नहीं जिताया, मान तो कांग्रेस पार्टी राजी का वह बोलने नहीं चाहूँ वह कि वह लोग ही माने जिताया, आप लोग कोई सपोर्ट नहीं दिया, ऐ मैंने खुदरा सब था, तो आज 5 साल आपने नहीं निकलता, आप सोचो कि 5 साल बहुत बड़ी बात है, और उन 5 सालों में आपने समाज के कहीं भी कुछ मंदिर या कहीं भवन में कहीं भी अपना कुछ निर्माण करवाया, यही उनकी रोड, ये उनका, ये उनका पियर का रास्ता है बिल्कुल, और ये वाली रोड है की समझ परमानेंट है इतनी है, अगर ये 5 सालों में कुछ भी थोड़ा बहुत भी करवा दे तो मैं कहता हूँ समाज वापस उनको आने का मौका देता, सही बात है। पर नाराजगी इतनी है समाज में, समाज जाने के बाद कहते हैं कि साहब कभी भी कोई डिजायर के लिए भी जाता बच्चा तो कहता आप किसी दूसरे बंदे से लेके आओ, कोई आपका पार्षद से लेके आओ, अरे समाज का बंदा जिसने आपको लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके समाज ने दिया वही आदमी जाके खड़ा हो रहा, तो वो कह रहे हैं हम आपको नहीं जानते यार, आप अपने वार्ड के किसी भी एरिया पार्षद से लिखा के लिखो तो, अरे समाज का आदमी आके खड़ा हो गया, आप अपनी बहन को, हमें ये बोला गया कि बहन दो मायरो बनना, हमने बहन का मायरा भी वो नहीं समझ के भरा, ये सोच के भरा कि हमारी समाज की बेटी है। कई नाम है साहब? सरवण सिंह। सरवण सिंह, सरवण सिंह जी, सरवण सिंह सर जी। अच्छा सरवण सिंह सर जी, सरवण सिंह जी कई लागे आपने, बीजेपी या कांग्रेस? अच्छा जोधपुर में तो कांग्रेस देखना चाहिए, और राजस्थान में ना? राजस्थान में भी मैं तो चाहूँ लग भाई अशोक जी जावे वापस। कई कारण है अशोक जी रावण रो? कारण वह ऐसा कि जी की भी कोई चीज है ना जोधपुर विकास वेला मानतो हैंग अब इज बेस्ट, ठीक है ना, जिको जिको जट जट चुनी है ना, जैसे वसुंधरा जी चुनी जला, ठीक है ना, तो वसुंधरा जी झालावाड़ कर विकास, अपना जोधपुर विकास नहीं गला, ठीक है ना, इन बात आप तो जोधपुर विकास में बिल्कुल जोधपुर ऐसे जोधपुर रिवाज बिल्कुल स्थानीय, हाँ स्थानीय वोट ला गया करे बिल्कुल, हाँ वाद वे नहीं वाद जातिवाद फादीवाद वगैरह जितना भी उनमें स्थानीय वाद है ना वो पावरफुल है, वो पावरफुल है, जननी जन्म भूमि से स्वर्गदपि गरीशी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, तो जी का स्वर्गू खड़ा हो जाए नर स्वर्ग में पहुंचा वहां पहुंचा। कई नाम है साहब? ओम प्रकाश चौहान। ओम प्रकाश जी के इलाके बीजेपी या कांग्रेस? टक्कर तो बराबर ही रही है, अब देखो जनता का कई मूड वे, जनता कटी ने जावे कटी ने आवे, नीतियाँ जी की है अशोक गिर भी अच्छी है हमारे साथ, और जगह है नई घोषणा करी है तो अभी आने वाला टाइम रहा इन्हें जनता ने फायदा ही देवेला, और अशोक जी जी को है जनता वास्ते जोधपुर रमाई ने बहुत सारा काम करियो है आज तक तो काफ़ी है, हाँ कुछ चीज़ें रही जी की है कमी भी है लेकिन धीरे धीरे वह कमी रिपीट वेला, कमियाँ रिपीट हुई पाची? नहीं नहीं मतलब इन मायने सुधार वेला सा आई समझ नहीं, जैसे गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ना खोली है बिल्कुल, तो टीचर्स की कमी है आई समझ नहीं, फर्नीचर की कमी है, रूम्स की कमी है, तो ये सारी चीज़ें जी की है धीरे धीरे वर्कआउट वेला, ना तो टीचर अवेलेबल हो रही है पूरा ना कोई है, एक हाथ है एक इतनी लंबी चौड़ी घोषणा और बीजी कर्न उन्हें अलावा जो कोई नहीं उन्हें साथ है सुधार रो जो को काम है वो इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, मतलब मैं आप रे बात वो समझ सकूँ कि एक बार अशोक जी ने 5 साल रो मौको दे होना चाहिए ताकि वे हैंग कमियाँ सुधार लें, कि जोधपुर आवास जैसा अशोक जी 101% सही है, आने वाला टाइम रे मायने भी
मैं तो यूनिवर्सिटी में अशोक जी साथ जुड़ियो हाँ, तो आज भी जुड़ियो हाँ, आई समझ में नहीं। मैंने एक ही बात कही, अड़िया रहो, तो मैं तो अड़िया हाँ, आई समझ में नहीं। क्योंकि जोधपुर भलो तो एज कर सके, दूसरा मुख्यमंत्री अगर आवेला करेला तो जोधपुर इतना भलो नहीं कर सके जितो कि अशोक जी करियो है। पर राजस्थान में 53 जिला है, जोधपुर अलावा 52 है, कई लागे कि जोधपुर अलावा और भी किसी का जिला है उठ रहे हो भलो। लेकिन अशोक जी सब जगह जा रही है, हर जिला ने जो है लोगों ने समझा रही है, कर रही है, भाषण दे रही है, पार्टी रे फेवर मायने दौड़ रही है, आई समझ नहीं। और अटे तो माने वास्ते जनता रे वास्ते तो अशोक जी फ्री है, अटे पहली बार अटे मीटिंग ली, अटे मैं खुद अटे मीटिंग रे बैठा तो वे बड़ाउन देन गया कि मारो काम और भी जिला ने संभालना है तो संभालो आप। बिल्कुल माने अटे तो कोई माने तकलीफ नहीं है, अटे तो आपकी तरफ पूछ गए माना मैं तरफ आप फ्री हो, आई समझ नहीं। तो माना जो है हालांकि माना सिटी रो वोट है। कई नाम है साहब? मारा ओम प्रकाश सोलंकी। ओम प्रकाश जी कहीं लगे बीजेपी या कांग्रेस? मारा तो बीजेपी है। कई कारण है? कारण उसके सिद्धांत अच्छे हैं इसलिए। कई एड़ा कई सिद्धांत तो चौका लगा माना सब बढ़िया है, नवी विकास अच्छा काम हो रही हो, फोर्स वास अच्छा काम हो रही हो, सब कुछ अच्छा काम किया। और कुछ बदमाशी होती है हर पार्टी में होती है, ऐसी बात नहीं है। अब ये कहता है कांग्रेस का, ये देखो 4 साल से ये हालत हो रही है और यहाँ एक बीजेपी का वार्ड मेंबर है, ठीक है, वो राजेश कछवा, दूसरा ये तारा गहलोत इधर अलग, मतलब 3 वार्डों का ये सूर्य क्या नाम है जाफरान, उसके बावजूद भी ये समस्या कई सालों से है, कुछ नहीं हो रहा है। तो बच्चे अजी का क्षेत्रवासी है, अजी का रहवासी है, वह कई करिया करे, वह कई करे, कहीं कंप्लेंट करने कितने करे, आपने मैं कह दू ये काम करो आपने करा, बाद में खत्म होगी बात। हमने कई तरह से उनसे बोल दिया था, सभी से बोल दिया था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है, क्या जैसा तैसा है। विधानसभा कौन सा? विधानसभा मेरा तो सर लगता है, शहर विधानसभा कई लगे? अतुल जी बंसाली या मनीषा जी पवार? मैं ऐसे तो हूँ बीजेपी का कट्टर समर्थक, लेकिन मनीषा को दूंगा, मेरा समाज की लड़की है इसलिए। अच्छा हाँ। तो समाज के चक्कर में पार्टी छोड़ दो? नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी तो है ही जाए, लेकिन आज जो जमाना चल रहा है, आप भी समझदार हो, हर समाज में जाधपुर वगैरह सभी ले लो, वो अपना कैंडिडेट को समर्थन देंगे चाहे वो हारे या जीते, लेकिन हमारा दे मनीषा को देना। मनीषा जी कई नाम है साहब? नंद किशोर मांगड़िया। कई लगा आपने नंद किशोर जी? इन बार बीजेपी या कांग्रेस टक्कर है? 2020 में टक्कर है, और मैं थोड़ा और मानने डालना जी, मैं अशोक जी फेवर आदमी है, अशोक जी इन माने सब अशोक जी वाला। कई कारण है एडो अशोक जी रावण रो? अशोक जी अटा कई इतना बढ़िया काम करिए जोधपुर वास्ते, एक तो इतनी कॉलेज खोल दी थी, यूनिवर्सिटी खोल दी यहाँ पे, और बहुत कुछ काम किया उन्होंने, यूनिवर्सिटी के लिए काम किया है यहाँ पे, मतलब कॉलेज खोल दिए, लॉ कॉलेज खोल दिए है, एम्स उन्होंने लिया है, IIT लेके आ गए जो कि जयपुर में भी लिया, यहाँ है, यहाँ बहुत कुछ काम किया उन्होंने। पहले उन्होंने कुछ टाइम 10 साल 12 साल पहले 15 साल पहले जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रेल का भी बहुत काम किया उन्होंने। कई नाम है साहब? नौशीर खान। कई लागे बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कई कारण है एडो? कांग्रेस में व्यवस्था फुल है, गरीब आदमी का सौदा करती है, बढ़िया रहा कांग्रेस सरकार हमारे लिए बेस्ट है। पर युवाओं वास्ते कह रहा है कि सरकार बेहतर को नहीं रही है, क्यों के पेपर लीक का मामला घना होया है, युवा बेरोजगार घना होया है, महिलाओं माते एंड सरकार में ना अत्याचार भी घना होया है, और जालोर गेट माता जी को दंगो हुयो वो भी कुछ अलग ही बखान करे कि भाई और दंगो हुयो, अपना इतरो शहर है जोधपुर, लेकिन राजस्थान सरकार में ना दंगो भी हो गयो, पेपर लीक भी हो गया, कई लगे आपने? नहीं नहीं, वो तो चल लोग थे, उन्होंने दंगा बर्दाश्त करोगे, बाकी कांग्रेस के राज में अभी तक हमारे लिए कोई पर्दा नहीं है, हमें तो मजदूरी है, हमारे लिए तो फायदा ही है। पर पेपर लीक रहा मामले के बारे में कहीं कहना है? पेपर का तो सर ऐसी बात है, मजदूर राज में की तो प्रॉब्लम अलग है, प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं मजदूर राज में की, अरे पेपर वालों का तो पेपर वाले जानते होंगे। कई नाम है साहब? गोविंद भाई। गोविंद, कई लगे आपने इन बार राजस्थान में बीजेपी या कांग्रेस? उम्मीद तो पूरी पूरी कांग्रेस की आ रही है सर। अगर उम्मीद है तो कई लगे उम्मीद माते कांग्रेस सरकार खरी उतरेला? बिल्कुल खरी उतरेगी 101%। कई कारण है अड़ो के इन बार पाची कांग्रेस रिपीट कर सके? वही है अशोक गहलोत जो प्लावबंद देते हैं जनता को, तो उसके हिसाब से ही लगता है कि जोधपुर की जनता अशोक गहलोत से बहुत प्यार करती है, और उनकी जो भी योजनाएं हैं तो काफ़ी हद तक गरीबों के लिए सही है।
पर कुछ लोग तो कह रहे हैं नहीं कि अशोक जी तुष्टिकरण ही राजनीति करें, या पेपर लीक का मामला भी घड़ा हुआ है इन बार, तो काफ़ी युवा बेरोजगार हो गया, महिलाओं माथे अत्याचार का मामला राजस्थान में घड़ा ही गया कई लागे, तो ऐसा मामला है यार दालू गेट मत जी को दंगो हो, तो ऐसा मामला खुरेद खुरेद ने बारे आ रहा है पाचा बे वोट आवन वाला है, मतदान दिवस आवन वाला है, तो एंट्री वजह से शायद अशोक जी ने अपनी सरकार गंवानी पड़ सके। हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर चुनाव के मामले में तो यह है कि कभी भी जब भी चुनाव हुए हैं तो लोगों की धारणाएं अलग अलग रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमेशा की तरह इस बार भी जो चुनाव है तो विपक्षी पार्टी करती है, ऐसी बात नहीं है, उनको भी कुछ मुद्दे चाहिए किसी की पार्टी को गिराने के लिए, तो के अगर ए मुद्दा जी का विपक्षी पार्टी उठा रही है सर अशोक जी सरकार गिरावन वास्ते, खुदरी सरकार बनावन वास्ते, पर तो भी अशोक जी इस जादू रहेगा राजस्थान में, बिल्कुल रहेगा, अशोक जी का ही जादू रहेगा और रहा भी है, अपन लोग इतने सालों से देख ही रहे हैं, जो बंदा 3 बार CM रह चुका हो और उसके लिए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबल है ही है, वास्तव में वो जादूगर है ही, ऐसी कोई बात नहीं है। वाला माहौल बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, दिख भी नहीं रहा, झंडा दिख रहा है ना, कि गाड़ी दिख रही है ना, मोटर दिख रही है। अच्छा, पेपर लीक रहे मामले में कहीं कहना है तारो? मेरा ये कहना है कि नेता लोग नहीं करवाते, ये आम पब्लिक करवाती है। अच्छा, क्या जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं वो अपने नौकरी के लिए भ्रष्टाचार करवा देते और बेचारे नेते लोग ठोक देते। सरकार तो अशोक जी रही है नहीं, तो अशोक क्या करे बेचारा, लीक हो जाते बड़े बड़े पार्टियों में अशोक को पकड़ते, तुमने करवाया, अरे हम कई लागे इन बार राजस्थान सरकार में BJP या कांग्रेस? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस कई कारण है, कारण तो अशोक जी ने काम किया नहीं, विकास किया है नहीं जनता के लिए, पर जनता रे विकास रे चक्कर में युवा बेरोजगार हो गया है, युवाओं रे सरकारी परीक्षा और पेपर लीक हो रहा है और महिलाओं माते अत्याचार भी हो रहा है, अब पिछले साल जालौर गेट माते दंगो भी हो, कहना विकास है अत्याचार तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, राजस्थान में अकेला हो नहीं रहा, फिर भी अशोक गहलोत है बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है, सिकंजा कैसे लेते हैं अपना और वापिस बात को सुधार लेते हैं, मतलब ये बात है। तो अच्छा, विधानसभा कौन चला गया थाना? विधानसभा हमारा क्या नाम, सरदारपुरा अशोक गहलोत के तो अशोक जी फाइनल है, अमन तो आप अशोक जी फाइनल है, धन्यवाद। जोधपुर में करीब करीब कांग्रेस सीटें आएगी इन बार भी, राजस्थान में सरकार बन गई कांग्रेस री पक्की, फिक्स है। कई नाम है साहब? प्रेम कुमार जी। कई लागे BJP या कांग्रेस? BJP। कई कारण है? BJP पर हिंदू वोट BJP रहा सीधा, पर अब कार्यकाल तो अशोक जी रहे 5 साल, सॉरी मैं आज से कौन दिया BJP, सिर्फ BJP कांग्रेस ने कभी वोट नहीं दिया, कई कारण है काम आपकी विचारधारा BJP में जुड़ी हुई है, मारा मोल एडी जे जो वेरी अलग अलग पड़े, मैं लोग पूरा माना एरियो सुरसागर टोटल BJP, सुरसागर विधानसभा थाने लगे देवेंद्र जी या शहजाद खान? देवेंद्र जी। कई कारण तो हुई कोई कह रहा जिससे BJP बचपन दिमाग हो गाड़ो बूढ़ जो सिर्फ फूल ने बोले काम करे बोले मत करे बस, कमल रो फूल है, कमल रो फूल है, सीधी बात कई लागे थाना कई लागे कई ना मान भाई है ये जो घंटागर फतेह सागर और गुलाब सागर BJP थानों का ही कारण है, मानो यही गया कि बस सही हो गया पूरा BJP में, नहीं कोई कारण है कि BJP में सही है कि भाई आप वोट दे सिर्फ BJP में और कुछ नहीं, बस कमल रो फूल है कोई भी खड़ो है कोई भी हो बस गली में कीमत ही करो। अच्छा, मन तो हमें लगे कही है कि अपने BJP एकदम सही है चुनाव, BJP हेटू एकदम राइट चुनाव है, तो अपने भी फाइनल है कमल रोपूल फाइनल है, चार बार जीत चुका है अमनलाल वर्गी। अच्छा, हर अलग अलग एरिया मोड़ा कर दिया उन्हें बच जीते, क्योंकि आदमी बंदो खतरनाक है, फोन कर दे हाजिर हुए, कोई भी काम करा तो वो करा दे, कोई भी काम है, कोई भी गई है, कोरोना का वक्त आया ना जब काफी लोग है ना परेशान हो चुके थे इस कांग्रेस कार्यकाल के अंदर, वो BJP केंद्र वालों ने 5 किलो धान बढ़ाया था, उस वक्त उन्होंने बढ़ाया तो उनका समर्थन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ रुपया नहीं तो 40 पैसा तो मदद की है, ऊपर से आई है,
तब जाके ये कोरोना में थोड़ी बहुत मदद मिली। बाकी बहुत मुश्किल से समय निकाला है, सबसे बड़ा समय कोरोना का ही निकाला है। अच्छा, सब लोग बहुत मुश्किल से घर चला रहे थे रियल में, किन्हीं के राशन कार्ड थे तो उनके चल्लू नहीं किए थे उस वक्त। बड़ी मुश्किल से बीजेपी वालों ने मदद की थी सब जगह। मानकन कभी 5 रुपए लियो याद नहीं आया, हर काम हाथों हाथ बिना पाया ठेठ जान कर फिर बिरान करावे। बीजेपी रे पार्षद है, बीजेपी रा मतलब पहली खड़ा है 19 मु पछे 22 मु हमे 32 मु तो जीत रे बचा बच वो जीत जेवर की भी जोरदार जीते है मतलब। हेलो, कई नाम है सा? रमजान मोहम्मद। कई लागे बीजेपी या कांग्रेस? बाकी कांग्रेस ही जावणी छे कांग्रेस। कई कारण है? कारण तो एक तो आ गई है कि काम भी अच्छो करियो है, दूजो दंगा प्रसाद इन पार्टी में नहीं होए, बीजेपी आवे तो दंगा प्रसाद करवावे। बराबर, पिछले साल ही जालोर गेट माते दंगो हुयो, हिंदुआरो भी त्यौहार हो, मुस्लिम समुदाय रो भी त्यौहार हो, लेकिन दंगो भड़क्यो और लोगों का कहना हो कि कांग्रेस सरकार तो ध्यान नहीं कौन दियो, लेकिन बीजेपी रा नेता प्रतिनेता सब आया। कई लागे थाने बात ऐसा के मुसलमान तो तिमार बड़ा धोई जाए, आप लोग आए तो महीने में 2-4 त्योहार होते ही रहे, आज उन्हीं रैली, आज फलाना ही रैली, आज फलाना ही रैली, आज उन भगवान का त्योहार, उन जब जब सब झंडा लाग रहा है तो मुसलमान लगाओ तो कई ऐतराज है? नहीं नहीं लगाना है तो प्रशासन ने कोई भी पार्टी का झंडो नहीं लगाना, जो तिरंगा वाला लगाना है राष्ट्रीय झंडा वो जय झंडा है, बिल्कुल, ताकि भविष्य में किन दंगो प्रसाद नहीं होगा। नहीं तो आपने झंडे शू ऐतराज है? नहीं 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 कोई ऐतराज नहीं है सर, किन मजे में याद तो रखो तो एक आंख देखो सपने, बिल्कुल, और नहीं देखने चाहो तो भाई कोई भी धर्म कोई भी मजे पर झंडो मत लगाओ, दो राष्ट्रीय झंडे रहा। कुछ लोगों का कहना है कि वो जिको झंडो लगा रहा था लोग वो अलग तरीके रो झंडो तो इन वास्ते वो हटवानो जरूरी हो और जो दंगो बड़की जो देखो झंडो अलग टाइप नहीं हो, अब दुनिया की भावना तो किनिक टाइप है, आप उठ गए पठान देख लेता के धर्म रो के मजहब रो है के पाकिस्तान रो है अरब रो है सऊदी अरब रो है कुवैत रो है, आ चीज पहले तपास करो और पछे आप उन्हें कहो भाई गलत चीज है, बिना देखे आप के करो लगा चीज गलत है। कई नाम है साहब रो? मेरा नाम गफाल मोहम्मद है। कई लागे इन बार कांग्रेस या बीजेपी? तो दोनों टक्कर तो ठीक लाग रही, अच्छी लाग रही है, और मैं आशा हुआ कि जोधपुर महीने पूरे राजस्थान महीने कांग्रेस पार्टी आवे और अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे काम रहे इन बार। पर अच्छे काम रहे चक्कर में लोग कह रहे हैं कि युवाओं जी का बार सरकारी परीक्षा और पेपर यहाँ पे लीक गणा हुआ है, युवा बेरोजगार भी गणा है, युवाओं ने आत्महत्या भी गणी करनी पड़ी, इन वास्ते यहाँ सरकार बदलनी जरूरी है। कई इलाके थाने सारी बात है कि जो पेपर लीक की बात है कोई राजस्थान में कोई पल बार तो हेड़ो हो नहीं है, पूरा भादरा महीने पेपर लीक हो रही है तो कोई नई बात नहीं है इन राजस्थान महीने तो कई इलाके सरकार छो बनती पेपर लीक छो होता? नहीं नहीं पेपर लीक तो नहीं होना चाहिए वैसे, हालांकि अड़ी बात नहीं है पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, मगर नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में माता कौन कोई कानून बनना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा चीज नहीं हो। तो आपने लगेगा अगर अशोक जी सरकार पाची बन जावे तो इन माता कानून बनेला और पेपर लीक नहीं होवेला? नहीं मैं तो अच्छा हुआ कि कानून बनना चाहिए पूरे भारत में नहीं बनना चाहिए, और विशेष तौर राजस्थान में बहुत अच्छी परिवर्तन होना चाहिए पेपर वास्ते कि नेक्स्ट टाइम वाला पेपर लीक नहीं हुआ कोई तरह रो ताकि पब्लिक वास्ते फायदा हो और नेक्स्ट टाइम जो बच्चों वास्ते जो है वो भी तकलीफ नहीं हो। क्योंकि अब भाजपा का जो घोषणा पत्र जारी हुए उन माने वे कहे कि अगर माणी सरकार बन जाए भाजपा की सरकार तो मैं एक SIT का गठन करा ला ताकि पेपर लीक जी का मामला होया वह जांच कर सका। कह लागे भाजपा एडो कर सकेला या रवन द भाजपा की सरकार? नहीं यू है वो तो आई जान पड़ेगा कि वाकई कर सके एक नहीं कर सके, देखो बात एक करनो एक अलग हो जाए और एक करनो वाकई एक अलग हो जाए। कई नाम है सर? मेरा नाम सर सुमेर जोशी है। सुमेर जोशी, हाँ। कह लागे बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कई कारण? कांग्रेस की सुविधा भी कर रही है खासी बोले सुविधा भी कर रही है कई, बीजेपी भी कर रही है बट कांग्रेस ज्यादा कर रही है कई, मतलब राशन बिजली सब सुविधा में कर रही है कई। कई नाम है साहब? तस्लीम नाम है सा मारो। कह लागे इन बार कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस है साहब। कई कारण है? कारण ऐसा अशोक जी है जो सब कुछ माने सब कुछ फायदो करियो सा राशन बिजली वगैरह हर चीज में, पेंशन वगैरह चिरंजी विरंजी हर चीज में, दान वान देनो घर में दाल तेल वेल सब देनो हर चीज फायदो करियो सा माने अशोक जी। अशोक जी भी इस बार सदापुरा क्षेत्र जीतेला 100% और मनीष पवार भी 100% जीतेला शहर विधानसभा।
पर अबर कुछ लोग तो कह रही है कि अशोक जी राज में बेरोजगारी भी होगी, पेपर लीक भी होया, बीजेपी रे राज में ओइसा पेपर लीक भी तो होया कांग्रेस सरकार में, वो पेपर लीक होया वो बीजेपी रे हिसाब होया साहब, बीजेपी रे हिसाब सुखी कर बीजेपी रे हिसाब पेपर लीक होया अशोक जी राज में तो क्यों जो फायदो मिले गारंटी दी है वे भी गारंटी पूरी योजना करी है हर फायदो करे अशोक जी अपना।